गुड़गांव के पास मानेसर बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग रोजाना काम करने के लिए यहाँ आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे रेजिडेंशियल ऑप्शंस नहीं है। ऐसे में अगर यहाँ कोई भी नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आएगा तो जाहिर है इसकी चर्चा होनी ही है, भले ये चर्चा एंड यूजर्स में हो या फिर निवेशकों में। तो चलिए नजर डालते हैं मानेसर के प्रॉपर्टी बाजार पर। थोड़े ही दिन पहले रियल स्टेट कंसल्टेंट फर्म कुशमन वेकफील्ड ने जिन 17 जगहों को निवेश के लिहाज से फायदेमंद बताया था, उसमें एक मानेसर भी था। यहां का इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट 1736 एकड़ में फैला है, जहां कई इंटरनेशनल कंपनियों की यूनिट चल रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक यहां 510 ऑपरेशनल यूनिट्स हैं और उम्मीद की जा रही है कि 2011 तक ये संख्या बढ़कर 2000 हो जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल यहां काम करने वाले लोगों की संख्या 2,20,000 है और अगले 4 साल में ये बढ़कर 8 लाख तक होने की उम्मीद है। एग्जीक्यूटिव क्लास की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद यहाँ कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है। इस मांग को देखते हुए मानेसर में रहेजा डेवलपर्स ने नवोदया नाम से एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 25,000 प्लस की जो सैलरी ब्रैकेट है, इसमें आज भी जो वर्क फोर्स वहाँ पे है वो 1.4 लाख है जो कम्यूट कर रही है। तो अगर वो लोग जो वो खर्चा करते हैं कम्यूटिंग और जितना उनका टाइम खराब होता है, तो उसमें से कम की ईएमआई में घर खरीदा जा सकता है। रहेजा डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट 17 एकड़ में फैला है और मानेसर आईएमटी से यहाँ का रास्ता महज 1.5 किलोमीटर है। कीमत पर नजर डालें तो यहाँ 1100 वर्ग फुट वाले 1 BHK की कीमत 26 लाख रुपए है, जबकि 1498 वर्ग फुट वाले 2 BHK के लिए आपको 34 लाख रुपए देने होंगे। इसी तरह 1990 वर्ग फुट वाले 3 BHK के लिए 45 लाख और 3100 वर्ग फुट के 4 BHK के लिए 70 लाख रुपए देने होंगे। महीने भर पहले हुई लॉन्चिंग के बाद रेट 100 रुपए बढ़कर 2375 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गया है। गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले अजय प्रभाकर जैसे लोग मानेसर में ऐसे ही किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के इंतजार में थे। उन्हें पता है कि 3 साल बाद इस जगह की कीमत क्या होगी। जो आगे इंडस्ट्री आने वाले हैं, ये मानेसर में रहेगा या SEZ जो प्रपोज है, जो अगर आप मैप देखें तो SEZ काफी क्लोज है नवोदय के, तो ये 2 मेन फीचर रहा जो मुझे इंटरेस्ट हुआ। प्रॉपर्टी मार्केट में मानेसर तेजी से अपनी जगह बना रहा है और इसमें उसका साथ दे रही है गुड़गांव जाने वाली मेट्रो रेल। गुड़गांव मानेसर मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक ये मेट्रो मानेसर तक पहुंचेगी, तब यहां प्रॉपर्टी की कीमत में काफी इजाफा होने की संभावना है। रिटर्न जो हम देख सकते हैं अभी, वो तो सिर्फ हिस्ट्री में देख सकते हैं कैसा है। वहां पे जैसे रहेजास का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट था रहेजा स्क्वायर के नाम से, जब वो स्टार्ट हुआ था उसके रेट बहुत कम थे, 4,000-4,500 रुपये पर स्क्वायर फुट पर बिकता था वो। उस टाइम पे इंडस्ट्री यूनिट्स ऑपरेशनल ज़्यादा नहीं थी। अभी उन्होंने पोजीशन 1-1.5 साल पहले दिया था, उसके पोजीशन यूनिट्स आ गई हैं, बैंक से पूरा भर चुका है और आज उसका रेट करीब 14-15,000 रुपये पर स्क्वायर फुट है। ठीक है, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल दैट इज़ ऑलरेडी देयर। प्रॉपर्टी से जुड़ा एक सच ये भी है कि जो एरिया मेट्रो सिटी के जितना पास होगा उसकी कीमत भी उतनी ही अधिक होगी, और मानेसर उनमें से एक है। इस लिहाज से यहाँ फर्स्ट मूवर बनकर आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। प्राइम प्रॉपर्टी के लिए दीपू राय, मानेसर, गुड़गांव।